अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक इज मास ऑफ अर्थ। इन दिस टॉपिक वी विल कैलकुलेट द फॉर्मूला एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ बॉडी ऑफ एम, सपोज इट इज अर्थ। यू विल कंसीडर एनी बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम। द वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग डाउनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, that will be W. The radius of the R will be represented by capital R, and the weight of the earth will be represented by ME, mass of earth. We will calculate the formula for mass of earth. Consider a body of mass M on the surface of the earth. As you can see in this figure, let the mass of the body is small m and the mass of the earth will be ME. Radius of the R will be represented by R, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. Okay, according to law of gravitation, what was the law of gravitation? F is equals to G m1 m2 by d square. Here we have two masses, one is small m, second is mass of earth. So the law of gravitation can be written as G m एम ई बाय डी. आप नहीं लिखेंगे बिकॉज हेयर वी हैव रेडियस ऑफ अर्थ आर स्क्वेयर. यू कैन कॉल इट इक्वेशन नंबर वन. ओके, वट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. वेट इज बेसिकली फोर्स एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी. दिस इज नोन एज अ इक्वेशन नंबर टू. बाय इक्वेटिंग आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयरिंग आप कंपेयरिंग करेंगे. कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू. ओके, एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम ई बाय आर स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल्स टू एम जी. एम एम से आप कैंसिल कर देंगे. जी एम ई बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जी. यू कैन राइट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी एम ई बाय आर स्क्वेयर. जी इज इक्वल्स टू जी एम ई बाय आर स्क्वेयर. आप हर टर्म को एक्सप्लेन करें. जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कैपिटल जी इज अ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम ई इज द मास ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग जी एम ई इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वेयर. आप किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, किस चीज़ का फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं? एम ई का, मास ऑफ अर्थ का. सो एम ई इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वेयर बाय कैपिटल जी. आपने कैपिटल जी को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है. ओके, फार्मूला द मास ऑफ अर्थ इज जी आर स्क्वेयर बाय कैपिटल जी. अब आपके पास इसकी वैल्यू कैसे आएगी, मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स. स्मॉल जी की वैल्यू 10 है. रेडियस ऑफ अर्थ क्या है आपके पास? 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 का स्क्वेयर. ये रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, आपको पेपर्स में न्यूमेरिकल्स में गिवन होगी. डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट 6.673 इंटू 10 रेज टू पावर -11.